औद्योगिक क्षेत्र पिथमपुर के सेक्टर एक थाना अंतर्गत यूनिवर्सल कॉलोनी में संजय जलाशय रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने राहगीर को कुचल दिया। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार संजय जलाशय रोड पर कार चालक ने पहले मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को टक्कर मारी, उसके बाद पैदल चल रहे राहगीरों को कुचल दिया। आसपास बने मकानों के होटलों पर टक्कर मारते हुए पलटी खा गई। प्रत्यक्षदर्शी सुधीर सक्सेना के अनुसार कार चालक अंध गति से कार चला रहा था और जो सामने दिखा उसको टक्कर मारते हुए निकला, जिससे 2 मोटरसाइकिल सवार सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया है। वहीं घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हाईवे चौकी प्रभारी अनिल राजावत और पुलिस अधिकारी पवन भदौरिया ने बताया कि घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया है। अभी घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। कार चालक कार छोड़ मौके से फरार हो गया है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भारतीय न्यूज के लिए पीथमपुर से कामिल मेहर की रिपोर्ट। लोग ऊपर कमरे में किराएदार आए थे तो सामान जमा रहे थे, अचानक कार उधर से तेज स्पीड में आ रही थी, जो कि काफी स्पीड में थी, 80-90 के करीब होगी। वो अचानक से उधर से स्पीड में आता है, उधर लोगों को मारता हुआ ठोकता हुआ ये होटले पे चढ़ाई, इधर ठुकी, इधर से ठुकते हुए इधर जो बाइक से आ रहे थे कुछ शायद पैदल भी होंगे, तो उनको ठोकते हुए 3 पलटी उसने कार की खिला दी। उसी समय हम दौड़ के नीचे आए और तुरंत 108 को फोन करा, पुलिस चौकी में फोन करा। कितने लोगों को नुकसान हुआ होगा? करीब 3 लोग तो जो सामने थे बहुत ज्यादा गंभीर थे, उसमें से एक की तो पूरी पैर टूट चुका है, यहाँ से पूरा डैमेज हो चुका है उसका पैर। आपका नाम? सुधीर सक्सेना। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।